हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। ओए होए होए, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मेरा हो गया और एकदम ओके, और बस दिल खुश हो गया मेरा। तो मैंने कहा इसी खुशी में एक बार और मोटो व्लॉग बनता है, ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ लोधी कॉलोनी में, और लोधी कॉलोनी में एक रोड ऐसा है जहाँ पे ना खूब सारी पेंटिंग वेंटिंग बनी हुई है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हुआ था वो रोड, काफ़ी फेमस मतलब हुई थी वो, वीडियोस वगैरह भी काफ़ी चली थी। तो पता नहीं वो मेरे को तो पता नहीं कि कौन सा रोड है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई कितना हिसाब किताब बढ़िया है, पेंट वेंट अच्छा किया हुआ। इससे पूछते भाई इधर आइयो। वो जो लोधी रोड पर जो रोड है जहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग बनी हो, कहाँ है, कौन सा आगे से राइट लेते हो? इधर राइट नहीं लेना, यू टर्न लेके आ जाओ सामने। अच्छा, पूरे रोड पे बनी हुई है। अच्छा सही है, थैंक यू यार। चलो भाई एकदम सही जगह पे आए। ओपे हाँ, दिख गई दिख गई दिख गई। पूरा भाई साहब क्या पेंटिंग वेंटिंग बनी है मस्त, इधर भी बनी हुई है। वो देखो फोटोज भी क्लिक हो रहे हैं, तो इधर चलते हैं अपन, इधर देखते हैं क्या हो रहा है। उधर तो फोटो वोटो क्लिक हो रही है भाई साहब, बड़ा सही है हिसाब किताब। तो मैंने कहा मैं जब आया हूँ तो इधर आप लोगों के लिए दिखाता हूँ, देख लो भाई, क्योंकि हर चीज़ हर बंदे ने नहीं देखी होती है ना। वह तो YouTube पे काफ़ी फेमस हुई थी चीज़ें, लेकिन मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या पता नहीं देखी उन्होंने, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने वीडियो के थ्रू। एक्शन कैमरा सही काम कर रहा है, कर रहा है। तो भाई सबसे पहले तो इधर देखो, देखो इधर दो लड़कियाँ फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं, बट हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना फ़िलहाल। ये देखो पेंटिंग क्या मस्त पेंटिंग है, देखो है ना। देखो सीढ़ी वीडी लगा के फुल बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, ऊपर कालीन सूख रही छत पे, एकदम सही बनाई है भाई वो भी। इधर बांसुरी वाला टैट टैट टें, गाय माता बैठी है, मिठाई उठाई किसी को खानी है तो बताओ। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। ये देखो एलिजाबेथ। वो इधर क्यूआर कोड है भाई, किसी को पेटीएम पोटीएम करना है तो कर दो, बाकी आगे चलते हैं। पिछली वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उस चीज़ के लिए। बाकी यहाँ की पेंटिंग ख़राब हो गई, दो बोतल बनी हुई थी लैला मजनू टाइप। ये लो जी, ये थोड़ा चाइनीज़ टाइप है, गुप्त द्वार, ठीक है। ये चाइनीज़ वाइन नहीं जाए, हो हाँ। ये अपना स्वच्छता की ओर, क्या बात है, ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली कुछ वैसा ही। चिड़िया विड़िया उड़ रही हैं, चीले वीले। यहाँ देखो ये खतरनाक लग रही है ना बिल्ली, बिल्ली ड्रैगन है ना, बिल्ली लग रही है। पूंछ पे भी आँख बना रखी किसी ने, सही है जस्टिस। कॉल योर मॉम, सही है। और आगे चले देखें क्या, पता नहीं आगे है या नहीं। यहाँ पे क्या है, ये लड्डू लड्डू से रखे हुए यमुना, लेकिन ये है क्या भाई गोले गोले से, किसी को कुछ पता है। झीलो ये देखो, ये देखो तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग बना रखी, काफी अच्छा लग रहा देखने में ना, मजेदार एकदम। देखो ये भी फोटो वोटो क्लिक कर रहे लड़के, यहाँ पे आता रहता है कोई ना कोई कोई ना कोई। बहुत बढ़िया भाई, मैं तो यहाँ फोटो क्लिक करवा लेता हूँ लोंडे से। तो रील लगवा दी मैंने, थंबनेल ले लिया यहाँ पे, ठीक है जी। बाकी अपनी बाइक कैसे रही है बताओ जरा, ठीक है। ये दो भाई, आप भी भाई फोटो क्लिक कराने हो यहाँ पे, हैं कहाँ से आए भाई? नहीं, डांस की वीडियो। अच्छा यहाँ पे रील रील, अच्छा भी डांसर वांसर हो है, YouTube के लिए।
अच्छा अच्छा बनाओ बनाओ बनाओ, सही है। हाँ भैया मेरा चैनल है, सही है। हाँ जी हाँ जी भैया, मेरे हो गए 2,70,000 होने वाले। तो भाई चलो यहाँ से निकलते हैं। मिठाई हो मिठाई। हाँ भैया, हाँ डाल दूंगा भैया, आप वीडियो में ही हो आप। हाँ हाँ दिख जाओगे भाई, अरे दिख रहे हो आप। लेकिन आए कहाँ से हो भाई आप? शादीपुर से हो? हाँ हाँ समझ गए, पटेल नगर, जहाँ पे वो कैमरे वैमरे बिकते हैं घर के। सही है यार, चलो हमें भी डाल देना। हाँ हाँ आप हो या वीडियो में, कोई वो नहीं है। ठीक है भाई, तो दोस्तों वो कालीन अच्छी लग रही है जो बात है यार, है ना। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। आई होप आपको मज़ा आया होगा देखकर, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। मतलब समझ लो ये पेंटिंग बहुत साल पुरानी हो चुकी है। कई लोग कमेंट ये भी कर सकते हैं कि भैया आप तो अब दिखा रहे हो, हमने बहुत साल पहले देख लिया था। मैं मानता हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं आज तक कभी नहीं आया भाई। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में देखो, मेरी मतलब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ ना, दिल्ली शहर में मेरा जन्म हुआ और मैं अभी तक इतना मतलब घूम चुका हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन मैं दिल्ली में आज तक कुतुब मीनार होती ना, और यहाँ भी पेंटिंग है बस खाली यही है और तो कोई नहीं। तो दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, मैं आज तक वो देखने नहीं गया, मतलब अंदर से देखी नहीं है। अक्षरधाम मंदिर वो देख नहीं पाया, और तुम्हारा जंतर मंतर वो देख नहीं पाया, खारी बावली जो है, जो अगरसैन की बावली जहाँ पीके मूवी की शूटिंग हुई है, वो देख नहीं पाया। तो बहुत सारी ऐसी जगहें दिल्ली के अंदर, वहाँ मैं नहीं जा पाया हूँ, बताओ है ना। तो भाई टाइम ही नहीं मिलता होता है, सोचता हूँ कि अरे हाँ चले जाएंगे जम्मड़ी, अरे हाँ चले जाएंगे। अब जैसे बंदा बताओ हमारे घर के पास एक तरह से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा शादीपुर, मुझसे काफ़ी दूर से आया शादीपुर से, बताओ कमाल है। तो चलो भाई आपको मज़ा तो आया होगा जहाँ तक तो मुझे लग रहा है। बाकी आप थोड़ा सा ना आप म्यूज़िक इन्जॉय कर लो, क्योंकि मेरे को ना 2-4 काम है, और गौरव का भी फ़ोन आ रखा था कि भाई एक दो बंदे आए हुए हैं आपसे दुकान पर मिलने के लिए, तो जल्दी से आ जाओ। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, जल्दी पहुँचना है। तो आप लोग जो है म्यूज़िक इन्जॉय करो, और फिर आगे जाके थोड़ी सी और बातें करेंगे, देन कर देंगे वीडियो क्लोज। और ये शॉर्ट्स मतलब कि कैसे लगे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना भाई, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। आपसे मैं दोबारा बोल रहा हूँ अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि रील्स पोस्ट मैं डालता रहता हूँ वहाँ पे। तो स्टे ट्यून्ड बने रहो बस। ये कार वाले बंदे पहले सीधे चलेंगे तो देखेंगे ड्राइवर जना, तभी इंडिकेटर देके लेफ्ट काट देंगे। मतलब इंडिकेटर दे दिया अब हो गया, पीछे वाला अपना समझेगा जो समझेगा, कमाल है यार। तो भाई इसका भी एक रिव्यू कर दूं, फीडबैक दे दूं कि भाई जो हैंडल बार जो मैंने शॉकर ऊंचे कराए हैं एकदम मस्त है। मतलब कि मतलब मुझे हैंडलिंग में या फिर कट वट मारता हूँ, जैसे कि मैं जिगजैग करके निकालता हूँ जो मेरा अपना स्टाइल है, जैसे जैसे अभी मार रहा हूँ मैं, तो इसमें मेरे को बिल्कुल भी हिझक मतलब झिझक होती है, झिझक हल्का सा डर लगता है जो पहले वाले में डर नहीं लगता था, वो तो वैसे डर पर कुछ नहीं लगता, एकदम मक्खन। जैसे मैं बाइक को पहले राइड करता था, अभी भी वैसी राइड कर रहा हूँ और वैसे ही इंजॉय कर रहा हूँ अपनी राइड को। बाकी यहाँ पे खड़े हैं मामू जान, क्या बात है, हमें भी रोक लो बेटा, उस दिन रोकेंगे जिस दिन पेपर पूरे नहीं होंगे तो भाई मज़ा सा आ रहा है बाइक चलाने में। बाइक अच्छी चले ना तो उसे और मज़ा आता है चलाने में, नहीं जैसा हमें रिस्पांस चाहिए बस रिस्पांस मिले ना बाइक, तो और मज़ा आता है चलाने में, और खींचो करके। बाकी जिगजैग करने कोई दिक्कत नहीं, हैंडलिंग एकदम मस्त, कोई शेकिंग वेकिंग कुछ नहीं है, एकदम जहर। और बाकी मिरर तो भाई अल्टीमेट है, मिरर बहुत बंदे पूछते हैं भाई कौन सी बाइक है कौन सी बाइक है, विक्रांत बाइक आई थी ना उस बाइक के मिरर है, इसी में क्रोम ले लोगे तो एवेंजर के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये विक्रांत बाइक के, ठीक है, और ये गौरव की दुकान पे मिल जाएंगे आपको। अगर उस पे स्टॉक में पड़े होंगे तो वो हैंड टू हैंड दे देगा, अगर नहीं होंगे तो आप भाई थोड़ा सा टोकन मनी जो होती है ना, मतलब एडवांस छोटे मोटा, मतलब जितने के भी हो उसका कुछ परसेंट आप दे देना उसको, वो मंगवा देगा, ठीक है ना। बाकी आते ज़्यादा सामान ऐसी बात नहीं है, फ़ोन करके बोलोगे तो मंगवा देगा, ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, लेकिन ये कि ठीक है मंगवा देता है। तो बाइक एकदम ओके चल रही है भाई, बड़ी गहराइयों से दिख रहा है अच्छी लग रही है हर बंदा देखता है ना इस बाइक को, देखता ही रह जाता है भाई साहब। डोमिनार वो बाइक भी ऐसी बनी हुई है माशाल्लाह से, उसको भी सब देखते हैं, ये क्या सीन है भाई, ओए ये तो बहुत गंदा काम हो गया, अभी ठुकिए गए
रिकवरी वाली आ रखी है, पूरा चौपटा बिगाड़ दिया इसका, देख रहे हो। चलो चलो चलो, क्या बात है, मेरे को लग रहा था निकल जाएगी, बस शीशे से लग रहा था नहीं निकलेगी, लेकिन मैं फिर भी ना कटिंग कटिंग करके निकाल ली। क्या बात है, जिगजैग चलाओ इसको, यू 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 यू, ओए ओए मजेदार। देखो चलने में बढ़िया है, देखो अगर क्रंच पेटे फूकी तो रेस ज़्यादा कर रही होती, लेकिन चल सही रही है। बस ये है कि स्टार्टिंग में जो क्रंच होता है ना वो नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, एक राइड मारेंगे इसी हालत पे, उसके बाद भाई देखो एक बहुत बड़ी राइड हो रही, बहुत बड़ी मतलब कमाल धमाल बवाल हो जाएगा उस राइड पर इंशाल्लाह। मतलब ऐसा तो मैं सोच के बैठा हुआ हूँ, बाकी देखो भाई होना वही जो किस्मत में लिखा है, मुझे नहीं पता आगे का रास्ता कैसा होने वाला है कैसा नहीं, फिलहाल होता वही है कि जो किस्मत में लिखा है, लेकिन वही है कि हम कोशिश कर सकते हैं, है ना भाई। तो हम अपनी कोशिश में लगे हुए, भाई दिख रहा बाइक को, बाइक की भी स्प्लेंडर है भाई, सही लग रही है बाइक, सही लग रही है, जहर सही है। तो भाई रोड प्रेजेंस तो काफ़ी अच्छी है जो बात है भाई, मतलब जो उसमें पैसा लगाया है वो वसूल है। हर बंदा देख के भाई जहर है, मतलब जो एक बार बाइक को देख लेना। हाँ नहीं निकल भाई, नहीं कितने दिन पुरानी है, तो 14 दिन से भाई तुमने टंकी भी घिस दी इतनी जल्दी। हाँ चलो बढ़िया भाई, जो कराओ स्मोक रैप कराओ बढ़िया से, चैनल देख लेना, दुकान मिल जाएगी, दुकान पे ले आना भाई। 15 दिन पुरानी गाड़ी भाई, टंकी पूरी घिस दी ने। बताओ यार क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, बंदों पे टाइम नहीं है भाई, बाइक साफ करने के लिए हमारे टाइम ही टाइम है, टाइम तो हमारे पास भी नहीं, करना पड़ता भाई। देख भाई भी दिख रहा है, तो दोस्तों पहली बार ना अम्मा खुले देखता हूँ, अगर होंगे तो पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने रिएक्शन मिल रहे हैं मुझे देखने को, क्या तुम्हें क्या बताऊँ। अरे वाह अम्मा है तुम्हारे लिए, तो भाई रिएक्शन काफ़ी देखने को मिल रहे हैं मुझे अपनी स्प्लेंडर पे, भाई भी देख रहा है बाइक को, हेलमेट को मुझे। लेकिन ये कि रिएक्शन बहुत तगड़े तगड़े मिल रहे हैं, मतलब जो इस बाइक को देख रहा है ना वो देखता ही रह जा रहा है, क्या लड़के और क्या ही लड़कियाँ। मतलब लोग करते हैं हायाबुसा से रिएक्शन वीडियो शूट, है ना, बड़ी बड़ी सुपर बाइकों से करते हैं, हम स्प्लेंडर से बताओ रिएक्शन शूट कर रहे हैं, देखो भाई दिख रहा है उधर से स्प्लेंडर झुक, ओ बेटा ऊँचाई होंगे। तो कुल मिला के ये है कि हर बंदा अपनी बाइक को भी देखता है, मतलब सुपर बाइक होना ज़रूरी नहीं है रिएक्शन के लिए, आपकी बाइक नॉर्मल भी होगी तो भी आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। कमाल है यार, इतनी अच्छी बाइक हमारी माशाल्लाह से नज़र ना लगे, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया रिएक्शन वीडियो, मज़ा आ गया भाई। मतलब मैं सोचता था कभी मैं सुपर बाइक खरीदूंगा तब मैं रिएक्शन वीडियो शूट करा करूंगा कि हाँ भाई कैसा रिएक्शन लोग दे रहे हैं, बाइक देखते रहे देख रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ है, लेकिन भाई अपनी स्प्लेंडर वो चीज़ पूरी कर रही है, तो भाई स्प्लेंडर तो स्प्लेंडर है भाई। अबे नॉर्मल स्प्लेंडर नहीं है अपनी, ठीक है ना, कहीं तुम नॉर्मल वाले बंदे सोच रहे हो हाँ भाई स्प्लेंडर बनाओ पहले ऐसी। दिल्ली में तो भाई अपनी एक ही है, दिल्ली में एक ही मॉडिफिकेशन कर रखी है बंदे ने, वो है दानिश भाई फ्रॉम दिल्ली डीसी व्लॉग। देखो तो चलो भाई मैं इसी नोट पे वीडियो को एंड करूंगा, अगर अच्छी लगी हो वीडियो
ये वाली रिएक्शन थोड़े देखने को मिले होंगे, रिएक्शन अच्छे लगे हों आपको, ठीक है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट देखा आपने कि भाई किस तरीके से वो देखते हैं बाइक को, देखते ही चले जाते हैं, तो वो चीज़ देख के देखो भाई भी देख रहा है वो, है ना, तो वो चीज़ है। तो अगर अच्छी लगी हुई वीडियो या रिएक्शन तो भाई ज़रूर लाइक करना, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और बाकी चैनल पर ना सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, इधर से आ मेरे भाई, वो बाइक देखता रह गया, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। वो आज इधर से रहता लेकिन वो बाइक को खड़ा क्यों, कमाल है भाई, कमाल है, मतलब कि यार अगर आप कहोगे ना कि भाई रिएक्शन वीडियो शूट करो दोबारा, तो बताना मुझे, ठीक है, मैं निकल जाऊंगा उसको लेके दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दो दिन में तो इसकी रिएक्शन वीडियो शूट करेंगे, मतलब कितने, सिर्फ मैं आपको उस वीडियो में रिएक्शन ही दिखाऊंगा लोगों के, वो देख रहे हैं क्या, पूछ रहे हैं कैसा उनका, मतलब रिएक्शन आ रहे हैं बेसिकली, वो शूट करूंगा, ठीक है, अगर कहते हो तो बनाऊंगा वीडियो, वरना अभी कोई मुझे शौक नहीं है, लेकिन हाँ सुपर बाइक जब आएगी तब तो भाई मज़ा आया करेगा, ठीक है ना। बाकी देखो ये लड़का दिख रहा है, देखो ओह क्या बात है, देखो देख जा रहे, अरे देखो ओह कैसी बाइक है ये, अबे क्या कर रखा है वो, शीशे में देख रहा बंदा तो वो चीज़ है बस, चलो हंस रहा है तो चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अगेन बोल रहा हूँ, बाय बाय।